हाँ पर्व जो है लोकतंत्र का वो उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रहा है। उससे पहले तमाम रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। मैं आश्वस्त हूँ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हमने जो अब की बार नारा दिया है अब की बार 60 पार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आज जनता उस पर मोहर लगाएगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाएगी जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, यहाँ के विकास कामों को आगे बढ़ाए, जो विकास के काम शुरू हुए हैं उनको और तेज गति प्रदान करे। बहुत सारे जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तावित किए हैं, हमने प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाए। मैं मानता हूं, मैं आश्वस्त हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे कामों पर मोहर लगाएगी और काम बनाम कारनामों का यह चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता काम पर मोहर लगाएगी और मोदी जी का जो विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है उसके कारण से जो हमारी योजनाएं हैं उनको और तेज गति प्रदान करेगी। तो पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 60 पार इस बार जो बीजेपी है वो करने वाली है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो भी सुनिए। कॉलोनीज हैं, गांव हैं, उनमें सुबह से ही कतार में लोग खड़े हैं वोट डालने के लिए और मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार और ज़्यादा होगा क्योंकि एक घंटे का समय अतिरिक्त मतदाताओं को मिला है मतदान करने के लिए, तो मतदान प्रतिशत अच्छा होना चाहिए। सर, इस बार युवा नेतृत्व तो 60 पार का नारा आपकी पार्टी दे रही है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, 60 पार का नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो तिलक जी, आपने सुना धामी जी कह रहे हैं कि 60 पार जो है भाजपा इस बार लाने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि एक घंटे का समय बहुत बढ़ाया गया है तो ऐसे में अच्छा वोटिंग प्रतिशत मिलता है और अगर ऐसा होता है तो भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वोट प्रतिशत की भूमिका यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कादर, क्योंकि वोट प्रतिशत है वो एक प्रतिशत के वोट प्रतिशत से चुनाव जीता और हारा जाता है। इतिहास में अगर हम 2017 को छोड़ दें तो जो वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस और बीजेपी के भीतर कम और ज्यादा अक्सर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ से स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि यहाँ जिसके पास वोट प्रतिशत, क्योंकि अगर आपको 60 पार का नारा पूरा करना है तो आपको लगभग 55% वोट चाहिए होगा उत्तराखंड में, जो कि संभव नहीं है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि असंभव है, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन वोट प्रतिशत जो कि इतिहास बताता है कि इतने वोट जो है वो एक पार्टी को डलना ये असंभव हो जाता है। मैंने 2017 को अपवाद बोला है, अपवाद, और ऐसी स्थिति में अगर होता है ये तो ये वाकई चमत्कार होगा। लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा था क्योंकि आपने ये महत्वपूर्ण बात कही है तो जरा मुझे पुष्कर समझाएंगे। पुष्कर, क्या वाकई में कुछ फैक्टर दिखाई दे रहे हैं कि आपने समय सीमा बढ़ा दी है और खासतौर पर आपने कहा कि मौसम जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और खासतौर पर पहाड़ में, क्योंकि आप इस वक्त चमोली में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कुछ असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल तिलक, मैं आपको बता दूं कि जो ये घंटे का समय बताया गया है ये मुश्किल उन लोगों को पैदा करेगा जो हमारी पोलिंग पार्टियां जो है 6 बजे जब यदि मतदान समाप्त हो जाएगा उसके बाद इनको मुख्यालय आना है, मुख्यालय पहुंचेंगे तो 1-1, 1.5-1, 3-3 बजे या 4-4 बजे सुबह के टाइम यहाँ पे पहुंचेंगे मुख्यालय। मैं जनपद चमोली की बात नहीं करूँ, मैं रुद्रप्रयाग की अगर बात करूँ, सबसे दूरस्थ इलाका रुद्रप्रयाग का, एक उखीमठ से यहाँ पे जो है 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, उसी का ठीक जो है आपको जो चंपावत में भी जो है 18 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है पोलिंग पार्टियों को, जिनको 72 घंटे पहले जो है भेजा गया था पोलिंग पार्टियों को। जनपद चमोली की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है 18 से 23 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो समय बना, समय जो एक घंटे का सरकार ने बढ़ाया या निर्वाचन आयोग ने जो एक घंटे का समय आगे बढ़ाया, इन लोगों के लिए दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन जो लोग वोटिंग देने आएंगे, जो लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे, उन लोगों का समय एक घंटा बढ़ाना यानी एक घंटा लेट भी, यदि यूपी में 7 बजे का समय था तो हो सकता था कि उत्तराखंड में भी 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाए, लेकिन पहाड़ी इलाका, पहाड़ी भौगोलिक स्थितियाँ जो है भिन्न होती है पहाड़ों की, क्योंकि इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि एक घंटे का जो देरी से जो यहाँ पे मतदान हुआ है या एक घंटा जो बढ़ाया गया है तो मत प्रतिशत तो बढ़ सकता है, लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए, उन पोलिंग पार्टियों के लिए, प्रशासन को, कि जिनको जो है पैदल जो है पहुंचना पड़ेगा मुख्यालय तक। तिलक,
अगर वोट प्रतिशत पहाड़ में बढ़ता है तो ये तो एक सुखद संदेश भी है ना पुष्कर जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, एक स्लोगन दिया था उन्होंने। तो वोट प्रतिशत मतदान को लेकर, वोट प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर जितने प्रचार प्रसार आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से या एलईडी के माध्यम से या तमाम सारी हम जो भी प्रचार सामग्री है इनके माध्यम से अधिक ठोस लोकतंत्र बनाने के लिए जो है कि आप लोग जो घरों से निकले और अधिक से अधिक मतदान करिए, क्योंकि तिलक सबसे बड़ी बात है कि मौसम जो है पहाड़ों का बहुत डिपेंड करता है मतदानों के लिए, क्योंकि एक बजे के बाद और जो दो घंटे का जो समय होगा दो से लेकर तीन चार पांच बजे तक का, इस समय से भारी मतदान जो पहाड़ों में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी जो मतदाता होता है उनको अपने जो निजी काम होते हैं उनको लेकर जो है आपको बाजारों को भी आना पड़ता है, या जो महिलाएं हमारी होती है इनको जंगल जाना। एक बात आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि अगर मुझे दुरुस्त करिएगा मैं गलत हूंगा, माना जाता है कि पहाड़ में तीन बजे तक वोटिंग जितनी होती है वो उससे लगभग 1% के आसपास, आप 2% के आसपास लगा लीजिए कि वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब 3 बजे के बाद। क्या 3 बजे के बाद अभी भी वो स्थिति है कि 3 बजे तक मानिए कि वोट प्रतिशत जितना हुआ नहीं तो फिर उसके बाद जो है दिक्कत होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने जो 3 बजे बाद का जो प्रश्न किया कि 3 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे से और 3 बजे के बीच सभी लोग, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों चाहे आपका कर्मचारी जिनको वोट देना हो, कि लंच टाइम का जो एक ऐसा ब्रेक होता है कि इसमें 1% मतदाता भी यदि वोट करने आए तो बढ़ सकता है कि हो सकता है कि 1 घंटे का जो समय है इसमें मतदान प्रतिशत बढ़े या घटे, यह डिपेंड करेगा आपका मौसम, क्योंकि लोगों को जो अपने घर पहुंचने में जो है ज़्यादा समय लगता है, समय इसलिए भी लगता है क्योंकि लोगों को पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि 4-4, 5-5 किलोमीटर के दूरी पर जो है हमारे मतदान केंद्र होते हैं या पोलिंग बूथ होते हैं तो वहाँ भी पहुंचना पड़ता है। अगर शहरों की बात करी जाए तो शहरों के जो हमारे पोलिंग बूथ हैं यहाँ पे तो आदमी आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन यदि किसी को यहाँ से जो है आपका जो है घिंगरान जाना होगा या आपको जो है कलकोट जाना होगा तो यहाँ तो 15-30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो यहाँ दिक्कत आ सकती है। लेकिन पहाड़ों की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो जो है मौसम को लेकर थी, लेकिन अभी मौसम चटक है, हो सकता है जो 2 बजे का जो 2 से और 5 बजे का जो टाइम होगा उस भी जो है अपना जो है वोटिंग प्रतिशत पीक।